हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे टेस्टी खजूर बर्फ़ी। सभी को पसंद आने वाली ये टेस्टी खजूर बर्फ़ी हम तैयार करेंगे और आयरन और प्रोटीन से भरपूर होगी ये और शुगर फ्री आपकी ये बर्फ़ी तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा किलो खजूर और इसको धो लिए अच्छे से और इसका मैंने बीज का हिस्सा निकाल दिया है, यानी कि इसकी गुठली मैंने निकाल दी है। इसको अच्छे से साफ़ करके रखा है और इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो ये मैंने आधा किलो खजूर ली है और यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच लिया है पिस्ता बारीक कटा हुआ, दो बड़े चम्मच लिया है बादाम बारीक कट कर लिए हैं और काजू भी मैंने दो बड़े चम्मच लिए हैं जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और घी, देसी घी में बनाऊंगी इसको, तो तीन चम्मच देसी घी लिया है, दो चम्मच मैंने खसखस ली है और एक चम्मच यहाँ पर इलायची पाउडर लिया है, हरी इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम इस खजूर को पीस लेंगे अच्छे से। तो इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में और इसको हम पल्स पे पीस लेंगे, यानी कि रुक रुक के इसे पीस लेना है, नहीं तो ये जाम हो जाएगी। तो रुक रुक के इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। अब बीच बीच में हम चेक करेंगे इसको, तो इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए खजूर हमारी बहुत अच्छे से पीस चुकी है, तो इसको हम निकाल कर रख लेंगे। इतने हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे खसखस। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, लो फ्लेम पर हमें इसे हल्के से रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, निकाल लेते हैं इसको। और यहाँ पर फिर से मैंने पैन रख लिया है, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच देसी घी और इसमें हम डालेंगे ये बादाम और काजू और ये पिस्ता, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा ज़्यादा कलर चेंज नहीं होने देना है, बस हल्के से इसको रोस्ट कर लेंगे क्रंची होने तक। तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और ये ड्राई फ्रूट हमारे क्रंची हो जाएंगे। तो इसको निकाल लेते हैं, ये हो चुके हैं। अब हम इसमें फिर से पैन में घी डालेंगे, तो यहाँ पर मैं दो चम्मच घी डाल रही हूँ और इसके मेल्ट होते ही हम इसमें डाल देंगे खजूर। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो हम इसमें डाल लेंगे ये खजूर और इसको बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। डेढ़ से दो मिनट हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो ये खजूर बर्फ़ी बहुत ही अच्छी तैयार होती है, सभी को बहुत पसंद आती है, ये जल्दी से तैयार भी हो जाती है। तो ये देखिए इसके अंदर डाल देंगे इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके मिक्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। गैस की फ्लेम को ध्यान रखना है, लो ही रखना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधी खसखस, यानी कि एक चम्मच मैंने डाल दी है और इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस को फौरन बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी दिखने लगी है अभी से ही। और आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये। और ये अच्छे से मिक्स हो गया, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। अब बहुत ही जल्दी से झटपट तैयार हो जाती है ये बर्फ़ी। तो इसको एक प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे सारे मिक्सचर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, थोड़ा गुनगुना होने पर हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा ये गुनगुना हो रहा है, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे, घी लगाएंगे, क्योंकि ये हाथों पे अभी भी चिपकेगी, तो इसलिए हम इसको हल्के हाथ से इस तरह से समेट लेंगे और इसका एक रोल बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा चिपकती है, आपको हाथ पर घी लगा लेना है। इस तरह से इसको उठाएंगे, हाथों पर घी लगाएंगे और इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। आप इसके चाहें तो थोड़ा सा मिक्सचर लेके जिस साइज़ में आपको बनाने हो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी बर्फ़ी बनाऊंगी कटलेट में। तो यहाँ पर हम इसका एक रोल बना लेंगे इस तरह से, हाथों के बीच में लेते हुए इसको
और हाथ पर घी लगाते रहेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपकती है। और इस तरह से मैं इसको प्लेट पर नहीं, इसी सेल्फ पर रखूँगी और इस तरह से हम इसको रोल कर देंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इस पर घी लगाया हुआ है और इस तरह से इसको रोल करते रहेंगे। और इस पर डालेंगे हम थोड़ी खशखश, कोट कर देंगे। एक इसका मैंने रोल बना लिया है, तो इस तरह से हम इस पर खशखश को लपेट देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको रोल कर देंगे और खशखश डालते रहेंगे इस पर। शुगर फ्री बनने वाली ये बर्फ़ी बहुत टेस्टी लगती है, सभी को बहुत पसंद आती है और आप इसको सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, तो इस तरह से बनाएंगे जब आप तो बहुत अच्छी लगेगी, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी ये बर्फ़ी। तो इस तरह से हम खशखश को कोट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और आप इस तरह से इसको सेम इसी तरह से करें और इसको ये देखिए अच्छे से कोट हो गई है खशखश के साथ में। और अब हम एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे, तो ले लेंगे हम एक फॉइल पेपर, आप चाहें तो कोई पिन्नी ले सकते हैं या फिर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर फॉइल पेपर है मेरे पास, तो मैं इसको भी ग्रीस कर लेती हूँ जिससे हमारी ये बर्फ़ी इसमें चिपके नहीं। और इसको हम रख के रोल करेंगे, तो यहाँ पर मैं इस पर थोड़ा सा पिस्ता भी लगाऊंगी, मैंने थोड़ा सा पिस्ता बचा लिया था तो वो हम इसके ऊपर से लगा देंगे। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट को ऐड कर सकते हैं, जो आपका मन चाहे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि किशमिश, अखरोट, नारियल, कोई भी आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं तो तब भी बहुत अच्छी लगेगी ये बर्फ़ी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता भी लगा दिया है और इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे और इसके ऊपर पिस्ता चिपकाते जाएंगे फॉइल से। ये देखिए इस तरह से, और अब हम इसको लपेट देंगे और इसको 7 से 8 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे साइड से भी, तो ये रोल हो गया है। इसको 7 से 8 घंटे मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 2 से 3 घंटे इसको फ्रीजर में भी सेट करने के लिए रख सकते हैं, तो हम इसको 7 से 8 घंटे बाद देखते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और रोल हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको हमें बर्फ़ी को कट करना है, तो इसलिए हमें इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ी। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, उसको आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हमें कट करना है, तो इस रोल को हमने इसलिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और अब हम इसको कट कर लेंगे। और ये हमारी बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी सेट हुई है, ये देखिए बहुत आसानी से ये कट भी रही है। और आधा आधा इंच की हम इसमें से बर्फ़ी कट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है, बहुत जल्दी से झटपट बन कर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये बर्फ़ी लग रही है, बहुत टेस्टी बनी है। तो सारे पीसेस हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको बर्फ़ी ट्रे में भी जमा सकते हैं, आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कटलेट का शेप दिया है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्थी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है खजूर बर्फ़ी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, जल्दी से झटपट तैयार हो गई है। तो ये आप इसको ब्रेकफास्ट में या नाइट में भी ले सकते हैं दूध के साथ में, बहुत हेल्थी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा ये आप रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।